मूवी के शुरुआत में हमें एक विलेन के ग्रुप को दिखाया जाता है जिसमें बेल बटम, वाइल्ड नक, ननचक, सेवन जीएस, जीन क्लो आदि गुंडे शामिल होते हैं। वे सभी चाइना के जोटी एक स्टोन को चुराना चाहते थे क्योंकि उन लोगों को इस दुनिया का सबसे बड़ा विलेन बनना था। इसलिए वाइल्ड नकल उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है जहां पर स्टोन रखा हुआ था। वहां पहुंचकर वाइल्ड नकल उस स्टोन को लेने ही लगता है कि इतने में उस स्टोन के रक्षक वहां पर आ जाते हैं। वाइल्ड उन सबको मारता है और उस स्टोन को चुरा लेता है। स्टोन को हाथ में लेने के बाद ड्रैगन की सारी शक्तियाँ उस स्टोन में कैद हो जाती हैं। स्टोन लेकर वाइल्ड वहाँ से जाने लगता है। वाइल्ड बाहर आकर देखता है कि उस स्टोन के रक्षकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। वाइल्ड वहाँ से भागने लगता है। वे रक्षक भी उसका पीछा करने लगते हैं। इतने में बेल बटम और उसकी टीम हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। वे वाइल्ड को एक रस्सी की मदद से बचा लेते हैं। बचाने के बाद वे वाइल्ड से उस स्टोन को मांगते हैं। वाइल्ड नकल उन्हें वो स्टोन दे देता है। स्टोन मिलने पर वे सभी वाइल्ड नकल को धोखा दे देते हैं और रस्सी काट कर उसे नीचे गिरा देते हैं। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम एक क्लासरूम को देखते हैं जहाँ पर एक मैडम अपने बच्चों से उनके ड्रीम के बारे में पूछ रही होती हैं। कोई बच्चा कहता है कि वह टीचर बनेगा, कोई बच्चा कहता है कि वह डॉक्टर बनेगा। उन्हीं में से एक बच्चा होता है गुरु, वो 12 साल का होता है। वो मैडम के पूछने पर उन्हें बताता है कि वो इस दुनिया का सबसे बड़ा सुपर विलेन बनना चाहता है। ये सुनकर बाकी सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद गुरु अपने मिनियन के साथ घर पर आ जाता है। घर पर उसे एक डाक मिलता है जिसमें VCS6 का कुछ लेटर आया हुआ था। जब वो उसे चलाकर देखता है जिसमें बेल बटन उन्हें बताती हैं कि उनके एक ग्रुप का मेंबर वाइल्ड नकल की मौत हो चुकी है, इसलिए वो इस विलेन में एक गुंडे को शामिल करना चाहते हैं। ये देखकर गुरु काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसे बचपन से एक सुपर विलेन बनना था और आज उसका ये सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा था। वो खुशी में ये खबर अपनी मॉम को सुनाने जाता है पर उसकी मॉम किसी के साथ योगा कर रही थी। वो गुरु की बात पर जरा भी ध्यान नहीं देती। अपनी मॉम के ध्यान न देने पर गुरु अपने वर्किंग प्लेस पे आ जाता है जहाँ पर उसके मिनियंस अपना अपना काम कर रहे थे। वो सभी मिनियंस को एक खास खबर सुनाता है। उसके बाद वो सोने चला जाता है। वही हमें वाइल्ड नकल को दिखाया जाता है जो हेलीकॉप्टर से गिरने पर भी नहीं मरा था, वहाँ किसी तरह से बच गया था। अब वो VCS6 के सभी लोगों से बदला लेना चाहता था क्योंकि उन लोगों ने उसे धोखा देकर मारने की कोशिश की थी। अगले दिन गुरु तैयार होता है। वहाँ काफ़ी खुश था क्योंकि आज उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन होने वाला था। वो तैयार होकर वहाँ से VCS6 के ऑडिशन में जाने लगता है। उसके साथ उसके मिनियंस भी जाने की जीत करते हैं पर गुरु उनको लिए बिना वहाँ से चला जाता है। मिनियंस भी उसके मना करने के बावजूद उसका छुप छुप कर पीछा करने लगते हैं। गुरु उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर VCS6 का ऑडिशन था। वहाँ पर और भी कई सारे हट्टे कट्टे गुंडे थे, वो भी इस ऑडिशन में हिस्सा लेने के लिए आए थे। गुरु की बारी आती है, वो ऑडिशन देने जाता है। वहाँ के विलेन देखते हैं कि ये तो छोटा बच्चा है, ये सुपर विलेन कैसे बन सकता है। ये सोचकर वे गुरु को रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट हो जाने पर गुरु काफ़ी दुखी हो जाता है। तभी एक दूसरा गुंडा ऑडिशन देने आता है। वो उन लोगों को बताता है कि वो उड़ सकता है। वो उड़ने लगता है। वे सभी उसे पकड़ने में बिजी हो जाते हैं। मौका देखकर गुरु उस जोड़ी के स्टोन को चुरा लेता है और वहाँ से भागने लगता है। वहीं पर हम वाइल्ड नकल्स को देखते हैं जो गुरु पर नज़र रख रहा था। गुरु जब बाहर आता है तो वह देखता है कि उसके मिनियंस भी उसको फॉलो करते हुए वहाँ पर पहुँच चुके हैं। वो अपने मिनियंस को लेकर वहाँ से भागने लगता है। वही VCS6 के मेंबर भी उसका पीछा कर रहे थे। भागते भागते उसका मिनियन और वो स्टोन नीचे गिर जाता है। वो मिनियन से कहता है कि तुम स्टोन को लेकर अपने अड्डे पर जाओ और मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ। एक एक कर वो वहाँ से भागने लगता है। अभी भी VCS6 के मेंबर लगातार उसका पीछा कर रहे थे। गुरु उन सबको चकमा देकर अपने अड्डे पर पहुंच जाता है। अपने अड्डे पर पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसका मिनियन वो जोड़ी क्यूस्टोन एक बर्थडे बॉय को देकर आ गया है। उसके बदले उसने एक बेकार पत्थर ले आया है। ये सब पता चलने पर गुरु काफ़ी दुखी हो जाता है।
और वो सभी मिनियंस को अपने घर से निकल जाने को बोलता है और खुद वहाँ उस बर्थडे बॉय को ढूंढने के लिए निकल जाता है। बीच रास्ते में उसे कुछ गुंडे अकवा कर लेते हैं। वे सभी वाइल्ड नकल के गुंडे थे। वे उसे वाइल्ड नकल के पास ले जाते हैं। वाइल्ड गुरु से वो जोड़ी एक पत्थर की मांग करता है। गुरु से बताता है कि वो स्टोन उसके पास नहीं है, वो खो गया है, पर वाइल्ड उस पर यकीन नहीं करता। वो गुरु की माँ का नंबर मांगकर उससे फ़ोन करता है, पर गुरु की मॉम फ़ोन नहीं उठाती, पर फ़ोन की आवाज़ वो मिनियन सुन लेते हैं। वो उस फ़ोन को उठाते हैं और वाइल्ड से बात करने की कोशिश करते हैं, पर वाइल्ड को उनकी कोई बात समझ में नहीं आती। वो उनसे कहता है कि तुम वो स्टोन लाकर मुझे दे देना, वरना दो दिन में तुम्हारे बॉस को मार दूंगा। ये सुनकर वे सारे मिनियन चिंतित हो जाते हैं। वो उस बर्थडे बॉय को ढूंढने का फैसला करते हैं और बर्थडे बॉय को ढूंढने निकल जाते हैं। वो बर्थडे बॉय उन्हें मिल भी जाता है। वे उससे उस स्टोन के बारे में पूछते हैं तो वो बर्थडे बॉय उन्हें बताता है कि वो स्टोन उसने अपने अंकल को दे दिया है। वही एक मिनियन उस बॉय के अंकल के गले में वो स्टोन देखता है। ये देखकर वो उस आदमी का पीछा करने लगता है। उधर जब वे तीनों मिनियन बाहर आते हैं तो वे सैन फ्रांसिस्को जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि अब उन्हें वो स्टोन नहीं मिलने वाला है और वाइल्ड नकल्स के द्वारा दिया गया समय भी बीतता जा रहा था। इसलिए वे सैन फ्रांसिस्को जाकर गुरु को बचाने का डिसाइड करते हैं। वे फ्लाइट लेने के लिए जाते हैं, पर उनके पास टिकट खरीदने का पैसा नहीं होता, इसलिए वो टिकट देने वाली लड़की उन्हें टिकट देने से मना कर देती है। फिर वे पायलट का सामान चुरा लेते हैं और खुद उनके कपड़े पहनकर पायलट बन जाते हैं और किसी तरह वे फ्लाइट उड़ाकर सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाते हैं। आगे हम गुरु को देखते हैं, जिसे वाइल्ड नकल बांध देता है और उसे मारने के लिए वो 48 घंटे का टाइमर सेट कर देता है। इधर वे तीनों मिनियन सैन फ्रांसिस्को पहुंचकर अपने गुरु को ढूंढना शुरू कर देते हैं। उन्हें वो घर मिल जाता है जहां पर गुरु को बांध कर रखा गया था, लेकिन उस घर के बाहर बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े थे। वे किसी तरह छुप कर अंदर जाने की कोशिश करते हैं। इतने में वो बॉडीगार्ड उन्हें देख लेते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वे उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें पीटने लगते हैं। उसी जगह पर हम मास्टर चाउ को देखते हैं, जो अपने पेशेंट का इलाज कर रही थी। जब वो देखती हैं कि बॉडीगार्ड उन छोटे बच्चों को मार रहे हैं तो उन्हें ये सब बंद करने को कहती हैं। ये सुनकर वे बॉडीगार्ड उन बच्चों को छोड़ देते हैं और मास्टर चाउ पर अटैक कर देते हैं। पर मास्टर चाउ कुंफू की चैम्पियन थी, वो उन सभी बॉडीगार्ड को मारकर उन्हें वहाँ से भगा देती हैं। ये सब देखकर वे तीनों मिनियन मास्टर चाउ से कुंफू सीखने की इच्छा जताते हैं, तो मास्टर चाउ भी उन्हें कुंफू सिखाने के लिए राजी हो जाती हैं। इधर बेल बटन और उसके साथियों को भी पता चल जाता है कि वाइल्ड नकल जिंदा है और उसी ने गुरु को अगवा किया है। इधर वाइल्ड नकल के लोग मास्टर चाउ से मार खाने के कारण अपनी जॉब छोड़ देते हैं। अब वाइल्ड नकल अकेला पड़ चुका था, इसलिए वो गुरु को आज़ाद कर देता है और उसे अपने साथ मिलकर काम करने के लिए बोलता है। गुरु का बचपन का सपना था कि वो सुपर विलेन बने, इसलिए वो बॉयल नकल के साथ काम करने को तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ वो मिनियन लगातार उस आदमी का पीछा कर रहा होता है। पीछा करते करते वो काफ़ी थक जाता है। तभी वो आदमी उसके पास आता है और वो उसे जोड़ी एक पत्थर दे देता है। वो आदमी भी सैन फ्रांसिस्को ही जा रहा था, इसलिए वो उस मिनियन को भी लिफ्ट दे देता है। फिर वे दोनों सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना हो जाते हैं। आगे मास्टर चाउ उन तीनों मिनियन को कुंफू की ट्रेनिंग देना शुरू कर देती हैं। वे तीनों भी कुंफू सीखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कुंफू सीखने के बाद मिनियन गुरु को बचाने के लिए निकल जाते हैं। वही गुरु और वाइल्ड नकल एक बैंक में जाते हैं। उस बैंक के अंदर एक और सीक्रेट बैंक था, जिसे बैंक ऑफ ईवल कहा जाता था। वे दोनों उस बैंक में पहुंच जाते हैं, जहां पर वाइल्ड नक गुरु को अपना पोता बताता है। वे इस बैंक को लूटना चाहते थे, इसलिए वाइल्ड नकल वहां पर बीमार होने की एक्टिंग करता है, जिसके कारण सारे लोग उसकी मदद करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। मौका पाकर गुरु वहाँ से मोनालिसा की पेंटिंग चुरा लेता है। फिर वे वापस आ जाते हैं। वही दूसरी तरफ वे तीनों मिनियन कुंफू सीखने के बाद गुरु को बचाने के लिए वाइल्ड नकल के घर पर पहुंच जाते हैं। वे गुरु को हर जगह ढूंढते हैं, पर उन्हें घर में कोई नहीं मिलता। इतने में बेल बटन अपने विलेन को लेकर वहां पर पहुंच जाती हैं और वो उस पूरे घर को तबाह कर देती हैं। जब वाइल्ड नकल और गुरु वापस घर आते हैं तो वाइल्ड नकल अपने घर को इस हालात में देखकर काफ़ी दुखी हो जाता है और वो गुरु को वहाँ से जाने को बोल देता है।
गुरु भी एक गाड़ी में बैठकर दुखी मन से जाने लगता है। तभी उसे मिनियन की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखता है कि मिनियन वहाँ पर आ गया है। वो उसके पास जाता है और उस जोड़ी के स्टोन को मिनियन के गले में देखकर वो काफ़ी खुश होता है। वे दोनों वहाँ से जाने ही लगते हैं कि इतने में बेल बटन और उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और वो उन दोनों को पकड़कर वो स्टोन उनसे छीन लेते हैं। इतने में पुलिस वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं। ये देखकर बेल बटन उस स्टोन को एक्टिवेट कर देती हैं, जिसे वे सभी विलेन अलग अलग जानवरों में तब्दील हो जाते हैं। अब उनके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। बेल बटन गुरु को एक घड़ी में बांध देती हैं। इतने में बाइल नकल भी वहाँ पर आ जाता है। वे सभी मिलकर बेल बटन की टीम पर हमला कर देते हैं, पर वे उनके सामने टिक नहीं पाते, इसलिए वे मिनियन वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उन्हें मास्टर चाओ की बात याद आती है कि अपने अंदर के जानवर को जगाओ। ये याद आते ही वे मिनियन उन विलेन पर टूट पड़ते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। इसी बीच वाइल नकल वो स्टोन चुराने की कोशिश करता है, पर ड्रैगन बनी हुई बेल बटन उस पर आग फेंक देती हैं, जिसे वाइल नकल घायल हो जाता है। फिर वे मिनियन किसी तरह उस स्टोन को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं और गुरु उस स्टोन की मदद से उन सबको छोटे से चूहों में बदल देता है, जिसे एनिमल कंट्रोल वाले उठा के ले जाते हैं। वाइल नकल घायल हो चुका था, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि वाइल नकल ठीक हो चुका है और अब वाइल नकल और गुरु में दोस्ती हो चुकी है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।